दूरी बट्टे चाल समय का सूत्र हो जाता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 30 बट्टे चाल है 15 प्लस एक्स, नोट कीजिए प्लस 30 बट्टे 15 माइनस एक्स बराबर कितना समय है, 4 घंटा 30 मिनट, 4 पूर्णांक 30 बटे 60, 30 31 30 दूना 60। अब इसको हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको लिख देंगे एलसीएम लेकर के 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, अब यहां से भागा लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 30 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस, इसमें भागा लगाएंगे तो 30 इंटू 15 प्लस एक्स लिखा जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा 8 4 2 8 1 9 2। चलिए फिर आगे हम लोग लिखेंगे इसमें गुना करके इसको 450 यही ना, माइनस कितना 30 एक्स प्लस 450 प्लस 30 एक्स बट्टे नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अब क्या 225 माइनस क्या एक्स स्क्वायर यही ना बराबर 9 बटे 2। अब प्लस 30 एक्स माइनस 30 एक्स कटेगा यहाँ तो क्या होगा 450 क्या बोल सकते हैं 900 ना, 900 बट्टे क्या 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटे 2, 9 का 9 ये 100 मरतबे में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाय क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 200 कितना होगा 200, 100 गुना 200 बाय क्रॉस गुना किए। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200 माइनस 225, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर रूट अंडर 25 हो जाएगा और एक्स बराबर प्लस माइनस 5 होगा, ठीक है ना। तो यानी x बराबर 5 हुआ और x बराबर क्या हुआ माइनस 5 हुआ, तो यह चाल अमान्य हो गया माइनस वाला। तो आगे आंसर यही है ना, हाँ चलिए। अतः धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सवाल में कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, इस टाइप से बन गया, चलो ठीक है। अब हम लोग 36 नंबर की सवाल को देखते हैं, 36 नंबर। हाँ, कह रहा मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। बिल्कुल सही बात है कि एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलेगी और सवारी गाड़ी स्लो चलेगी, ठीक है ना। और कह रहा है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने को ध्यान में न लिया जाए, ठीक है ना, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर सही कहा गया है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल अधिक होगा और सवारी गाड़ी की चाल कम होगा, ठीक है ना। तो सवारी गाड़ी की चाल कितना कम है, 11 किलोमीटर कम है, किससे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी से, या कहे तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल अधिक है किससे, सवारी गाड़ी की चाल से, समझ रहे बात को। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल का ज्ञात करने के लिए, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल, तो सबसे पहले यहां पर दो चीजों में कंपेयर किया गया है, क्या कि सवारी रेलगाड़ी जो है ना वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी, मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से ज्यादा स्पीड से चलता है, कितना ज्यादा स्पीड से, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हम लोग को पहले ये बात को लिखना है कि माना कि, सॉल्यूशन देकर के लिखेंगे, माना कि एक्सप्रेस, ठीक है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कितना एक्सप्रेस लिख दिए ना, तो ये हो जाएगा, चलो एक्स प्लस
अच्छा एक्स किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको बढ़ा लेंगे, गड़बड़ ना हो जाए। सवारी ही पहले लिखो तब ठीक रहेगा, सवारी से ज्यादा है ना एक्सप्रेस का, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल। अब लिखना है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल एक्स प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिक्कत नहीं होगा फिर, नहीं तो उसमें हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यात्रा कितना है, कितना किलोमीटर का, 132 किलोमीटर का, कितना का है 132 किलोमीटर। समय कितना लेता है, कम, एक घंटा कम लेता है, तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो बताओ कि सवारी गाड़ी कितना समय लेगा, दूरी है 132, चाल है x, तो 132 बटे x समय हो जाएगा ना। तो चलिए इसके लिए हम लोग लिख देंगे 132 अब बटे कितना x, अब माइनस मतलब कम समय लिया है इसलिए किससे, तो एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल अब कितना, एक्स प्लस 11 ना, और इसमें लिख देंगे 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर कितना समय कम लिया, एक घंटा, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। अब आगे इसको हल करेंगे, ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 11 तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस इससे भागा लगाएंगे 132 एक्स बराबर एक। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 132 एक्स प्लस, गुना कीजिए 132 गुना 11 चौदह सौ बावन ठीक है, माइनस 132 एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर एक, माइनस में 132 एक्स प्लस में 132 एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर 1452 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर एक, बाइक्रोस गुना कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1452, इसको इधर लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर जीरो, तोड़िए कितना पे ये हल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 44 33 ना, 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर जीरो। यहाँ पर फिर कॉमन लेना है एक्स, एक्स कॉमन लिए, एक्स प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 44 बराबर जीरो। अब यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 बराबर जीरो, एक्स माइनस 33 बराबर जीरो, एक्स प्लस 44 बराबर जीरो, एक्स बराबर 33 और एक्स बराबर माइनस 44, तो ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे लिख देना है अतः सवारी गाड़ी या सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना,
33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा? तो x प्लस 11 है तो 33 प्लस 11 कितना? 44 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। 37 नंबर, रहमान की 3 वर्ष पहले, तो रहमान की पहले वर्तमान आयु मानना पड़ेगा इसमें, माना कि रहमान का वर्तमान आयु क्या मानना है? एक्स वर्ष। अच्छा, इसका व्युत्क्रमों का योग इसमें मिसप्रिंट है, किसी किताब में लिखा हुआ होगा 1/3। हाँ, तो कह रहा है 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद के उम्रों का योग। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले का उम्र रहमान का क्या हो जाएगा? x-3। समझ रहे हैं? 3 वर्ष पहले x, मतलब मान के चलिए रहमान का आयु जो है कितना अभी है वर्तमान में? x वर्ष। 3 वर्ष पहले x-3 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद अगर कहेंगे रहमान का आयु तो क्या होगा? x+5, दोनों का गुणनफल। तो यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x-3 इंटू x+5, ठीक है ना? x+5 इसका उम्रों का व्युत्क्रमों का योग कह रहा ना, सॉरी, व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x-3 + 1/x+5 बराबर योग कह रहा है कितना है? योग कितना बताए? 1/3 वर्तमान आयु पूछ रहा है। एलसीएम लेंगे पहले, x-3 × x+5, ऊपर x+5 लिखा जाएगा प्लस x-3 लिखा जाएगा बराबर 1/3। ये हो जाएगा 2x-2 + x² + 5x - 3x - 15 बराबर 1/3। हम चाहते थे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2x+2 नीचे x² ये हल कीजिए कितना होगा? 2x - 15 = 1/3। अब बैकरोस गुना कर देना है, ठीक है ना? x² + 2x - 15 = 3×6 x + 6, ये सब इधर आ जाएगा। x² + 2x - 15 - 6x - 6 = 0। अब x² - 4x चार एक्स, अब -15 - 6 - 21 = 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए, 7×3 पे हो जाएगा ना? हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे x² - 7x + 3x, तो -4x गुना करेंगे तो -21x² हो जाएगा, -21 = 0। अब यहाँ पर कॉमन लेना x·x-7 + 3 कॉमन लेंगे x-7 = 0। यहाँ पर लिखे जाएंगे x-7 × x+3 = 0। यहाँ पर फिर लिखा जाएगा x-7 = 0 और x+3 = 0। तो x = 7 और x = -3। उम्र किसी का माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको अमान्य लिखेंगे, अमान्य। अतः रहमान का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 7 वर्ष आंसर, ठीक है।
आगे 38 नंबर देखना, एक सवाल 38 का देखिए, कह रहा है पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग 35 वर्ष है, उनके उम्रों के गुणनफल 150 है, उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है माना की पिता का आयु, पिता का आयु, आयु मतलब उम्र ही होता है, एक्स वर्ष, ठीक है ना। पुत्र का आयु, तो दोनों का योग दिया है 35, क्या दिया है 35, तो एगो का एक्स है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 35, यही ना, हाँ सॉरी 35 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 35 माइनस एक्स वर्ष होगा। योग 35 है, अब कह रहे हैं उनके उम्रों का गुणनफल 150 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणनफल x इंटू 35 माइनस एक्स बराबर कितना 150, यही हुआ उम्रों का गुणनफल, ठीक है। यहां पर अब गुना कर देंगे 35x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 150, ठीक है, इधर जीरो लिख देंगे, इस सब चीज को उधर भेज देना है, एक्स स्क्वायर प्लस में होगा ये उधर जाएगा, तो माइनस 35x हो जाएगा, ये इधर है ही प्लस 150। अब इसका फैक्टर ले लेना है, एक्स स्क्वायर तोड़िए, कितना है, आवाज देकर कहने बोल रहा है, 30 5 35 माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 बराबर 0 हो गया। अब इसमें ठीक है ना, 35 दोनों को गुना करेंगे 150 एक्स स्क्वायर सही है, x इंटू एक्स माइनस 30 माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0, यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है ना, x बराबर 5 और x बराबर 30। अब बताओ इधर देखो ध्यान से, x बराबर क्या आया 5, दोनों प्लस में आया ना, तो यहाँ पर कैसे हम लोग अमान्य अमान्य करेंगे, ये देखो, तो x का मान क्या है 5 और x का मान 30, तो दोनों वैलिड हो सकता है, मान्य हो सकता है, लेकिन नहीं, एगो अमान्य होगा, x 5, x किसका आयु है पिता का ना, तो पिता का भी 5 वर्ष का नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या, गलत हो जाएगा ना, 5 वर्ष का कोई पिता होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा जी, अमान्य, तो यहाँ अमान्य लिख देना, समझ में आया लॉजिक। और 30 वर्ष पिता का आयु होगा, 5 वर्ष पुत्र का आयु हो सकता है ना, अतः यहां पर लिख देंगे, अतः पिता का आयु, आयु x बराबर 30 वर्ष, ठीक है, और पुत्र का आयु, पुत्र का आयु 35 माइनस कितना 30, 35 माइनस 30 5 वर्ष, आंसर हो गया। चलिए यही तक रखते हैं आज।